हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज का टॉपिक, बाय द वे मेरा नाम रोहित है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टॉपिक क्या है, ये आपका रियल नंबर का जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है, और इस पर क्वेश्चन 100% आते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, रियल नंबर्स का ये वाला टॉपिक है। ये बेसिकली टॉपिक क्या है कि आपके सामने एक रैशनल नंबर दे देंगे, वो रैशनल नंबर, गौर से सुनते जाओ, क्या दे देंगे, रैशनल नंबर। और फिर पूछेंगे रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ऐसे अपॉन में होता है, तभी तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि इसका जो डेसिमल अगर हम निकालेंगे, जैसे मान लो 1/2 है, इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, 0.5, ये आता है ना। तो बस ये वो यही पूछेंगे कि जब किसी भी रैशनल नंबर को जब हम ऐसे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, ये जो डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो डेसिमल किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ रहे हो मेरी बात? पहले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब समझ लो। जैसे 0.5 पे पूरा पूरा खत्म हो गया, बस इसके आगे नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। भाई खत्म हो गया ना, 0.5 पे खत्म हो गया, इसके आगे तो कुछ नहीं चल रहा, तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट इंग्लिश का वर्ड है, मतलब रुक गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल कैसे बताऊं मैं, मान लो 1/3 है, इसको जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, तो अगर मान लो मैं ऐसे इसको डिवाइड करना शुरू करूँ डेसिमल के फॉर्म के लिए, मैं डालू 3 3 9, फिर 1 डालू, फिर 3 3 9, तो ये चलता रहेगा, 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। और जब ये चलता चला जाता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। ये बार का मतलब है 3333 रिपीट हो रहा है, ऐसे है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो डेसिमल बन रहा है, जो रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में रिपीटिंग भी है, क्योंकि तीन 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपसे पूछ रहेगा ये चीजें, समझे मुझे बात। तो रैशनल नंबर में जो पी बाई क्यू की फॉर्म है, उसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो किस तरीके का डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग जैसे ये, या नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि ये, और साथ में रिपीटिंग भी। तो उसको कैसे पहचाने, उसकी क्या कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जो आपको समझना है, और इस पे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो देखते हैं कैसे पहचानोगे आप। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखिए भाई, पहचानने का तरीका, तो अभी मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पहली चीज, ये तीन चीज आपको याद रखनी है कि टर्मिनेटिंग जब होगा डेसिमल, टर्मिनेटिंग, तो उसको पहचानने की टेक्निक ये होती है कि कैसे होता है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, तो क्यू मतलब ये डिनोमिनेटर वाला। तो आप जब टर्मिनेटिंग होगा तो उसके पहचानने की टेक्निक ये होगी कि जो क्यू होगा, इसका आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ देना, प्राइम फैक्टराइज कर देना। तो जब डिनोमिनेटर यानी क्यू का प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन या तो सारे 2 के फॉर्म में होंगे, या सारे 5 के फॉर्म में होंगे, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और बोथ लिख देता हूँ, या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ सारे के सारे, जब हम ये क्यू डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो सारे 2 के फॉर्म में, मतलब अगर मान लो नीचे 8 है, ये 8 डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 क्यूब हो गया ना, तो सारे 2 के फॉर्म में, यानी 2 × 2 × 2 ही है ना, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2, तो या तो सारे 2 के फॉर्म में, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ 1/25, और इसका 1/25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो क्या होगा, ये 5 का क्यूब, या तो सारे 5 की फॉर्म में, या फिर अगर डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा हो कि 10, तो इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आता है, 2 × 5, तो यानी 2 और 5 दोनों, ये बोथ। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर इस तरह से आए, या तो सारे 2 की फॉर्म में, या सारे 5 की फॉर्म में, या फिर 2 और 5 यानी कि बोथ की फॉर्म में, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो उस तरीके का अगर डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। समझ रहे मेरी बात? तो वो होगा टर्मिनेटिंग। सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग का एक और टर्म होता है, कंफ्यूज मत होना, रिकरिंग, ये भी यूज कर लेते हैं कभी कभार, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट। अच्छा, इस अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं हम रैशनल नंबर का, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो उसको पहचानने की टेक्निक क्या होगी, सिंपल है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग की पहचानने की टेक्निक क्या है कि जब क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो या तो वो 2 की फॉर्म में होगा, या 5 की फॉर्म में होगा, 2 और 5 की दोनों की फॉर्म में होगा। नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने की तरीका ये है कि जब हम क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होंगे, कुछ और ही होंगे, नॉट 2 और 5। ये दो कंडीशन आप रैशनल नंबर की फाइंड कर सकते हो कि भाई वो डेसिमल एक्सपेंशन जब हम उसका निकालेंगे रैशनल नंबर होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे। तो इन दोनों से, यानी कि आपको क्यू डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बस इतना देखना है कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, अगर 2 और 5 की जगह किसी और फॉर्म में है प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए गाइस, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आपको भी कंडीशन बता दी कि कैसे चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या रैशनल नंबर। तो मान लो पहला क्वेश्चन आपका सामने, मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूँ, वो है 13/3125। ये रैशनल नंबर लिख दिया क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये पूछ रहा है कि इस रैशनल नंबर को जब मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूंगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। तो भाई चेक कर लो, कंडीशन क्या होती थी चेक करने की, यहाँ बताइए ना मैंने अभी आपको कंडीशन कहाँ गई, ये रही कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होगा जब उसका जो डिनोमिनेटर यानी क्यू का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो या तो वो 2, 5 या 2 और 5 दोनों की ही प्राइम फैक्टराइज हो, बस उसके अलावा और कोई नंबर ना निकले जब प्राइम फैक्टराइज करें, या तो 2 के फॉर्म में हो सारे 2 की पावर हो, या सारी 5 की पावर हो, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन की पावर हो, तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और हो तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कंडीशन से कही थी, तो चेक कर लेते हैं हम भाई यहाँ पर क्या है नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 3125। तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आपको। तो इसका ये देखो, मेरे को मैंने आपको बोला है कि क्यूब जो है ना, क्यूब्स आपको अपनी कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो 1 से 10 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए सबके। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ऐसे करके आपको 6 का क्यूब 216 होता है, ऐसे 10 तक के आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और स्क्वायर आपको 30 तक याद होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है तो। ठीक है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि 3125 जो है वो 5 की पावर क्यूब होगा 125, फिर 5 की पावर 4 होगा 625, 5 की पावर 5 होगा 3125। तो ये मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बना 5 की पावर 5। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/ ये 3125 को 5 की पावर 5। अब देख लो, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया जो कि बना 5 की पावर में। जब 5 की पावर में बनता है तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो यार इसका मतलब अगर जब इसको 13/3125 को जब मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूंगा तो डेसिमल बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा नहीं है क्या बनेगा, बस बताना है हमें कि टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, तो हमने इस मेथड से हमारे जो हमने पढ़ा था उससे बता दिया कि ये बनेगा 13/3125 को जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो और देखते हैं। चलिए गाइस, इसको देखो, रैशनल नंबर लिखा है 17 बाइट, बताओ इसको जब डेसिमल के फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह का डेसिमल बनेगा, बताओ जल्दी। तो इसको क्यू को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये तो इजी है, ये क्या होता है 2 का क्यूब। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17/2 का क्यूब, तो यानी कि 2 की पावर में आ गया पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो यानी कि ये भी क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। यही कंडीशन होती थी ना टर्मिनेटिंग डेसिमल की, क्या तो 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में, तो ये 2 की पावर में आ गया डिनोमिनेटर, तो यानी इसका जो डेसिमल हम निकालेंगे तो बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो जी और देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं ये वाला रैशनल नंबर 29/343, अगर ये लिख दूं मैं आपके सामने तो अब आप करो इसको, इसका बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्या आएगा। तो भाई हम ही देखेंगे, हमारे सामने ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मुझे ये पता है कि जो 343 है या किसका क्यूब होता है, ये होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और जब 49 × 7 करोगे तो 343 आता है, यानी कि 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, क्यों भाई, तो मेरे को एग्जैक्टली आता था इसलिए मुझे दिख गया, वरना आप अपने ये वाले मेथड से, एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए
तो 343 यानी 7 का क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 729 अपॉन, हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर का चेक करना होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो 343 है 7 का क्यूब। अब देख लो अब क्या आ गया, ये 7 का क्यूब आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। इसका मतलब जो 29 अपॉन 343 को जब मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूंगा तो वो किस तरह का डेसिमल बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हमने चेक कैसे किया, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जो कि 7 की फॉर्म, 7 की पावर की फॉर्म में आया, जबकि अगर 2 या 5 की पावर में आया या कॉम्बिनेशन की पावर में आता तो हम कहते हैं टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ 2 और 5 नहीं है, कुछ और आ गया, तो यानी कि यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते हो। और देखते हैं, चलिए गाइस और देखते हैं। मैं आपके सामने एक रैशनल नंबर लिखता हूँ, मान लो ये लिखा 23 अपॉन में 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा चलो, यहाँ तो प्राइम फैक्टराइज हमें करे हुए मिल गए डिनोमिनेटर के, हम नॉर्मली डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ तो हमें और इजी मिल गया क्वेश्चन, हमें डायरेक्ट करे हुए मिल गए 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर 2। हमें बताना भाई क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ तो क्लियर दिख गया 2 और 5 की फॉर्म में ही है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइज, तो इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे इस पूरे को तो ये बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। ठीक है, दिख गया ना, टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये होती थी कि या तो 2 या 5 या बोथ, इन दोनों की फॉर्म में होगा प्राइम, तो यहाँ बोथ है 2 और 5 दोनों। ठीक है चलो एक और देखते हैं एग्जांपल, इसी तरह से चेक करोगे बस आप। अब ये देखो, ये वाला रैशनल नंबर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये वाला बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, इसमें एकदम देखोगे अच्छा 2 और 5 दिख गया और लिख दोगे टर्मिनेटिंग, नहीं गलत है, मैंने आपको बोला था टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये होगी कि सिर्फ 2 और 5 होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है सिर्फ 2 और 5 की कॉम्बिनेशन होंगे, या तो 2 के होंगे सारे पावर, या 5 की होगी सारी पावर, या 2 और 5 के मिक्सचर की होगी, जैसे इस केस में 2 और 5 सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर इसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई ना 7, ये 7 की पावर 5 है, तो ये 7 एक्स्ट्रा आ गया, सिर्फ ये दोनों होते तो हम कहते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन ये 7 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब 7 आ गया, तो इसका मतलब जब इसका हम डेसिमल निकालेंगे तो किस टाइप का डेसिमल बनेगा, वो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये है तरीका आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल एक्सप्रेशन को फाइंड करने का, रैशनल नंबर जब दे रखा हो। ठीक है, तो और प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये सिखाना था, वीडियो लंबी नहीं करते ताकि आप बोर ना हो, और अगर कुछ समझ ना आए, कुछ कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।